भोपाल को नमस्कार, सारी प्रेस को नमस्कार, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज मैं इधर हूँ. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इवन गेटिंग टू हैव दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई एम रियली हैप्पी दैट हम बात कर सकते हैं. और बिफोर आप मुझे कुछ पूछें, मैं ये कहना चाहूँगी आज स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन पर आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ. और भोपाल की इतनी खूबसूरत ऑडियंस के सामने आज गाऊंगी, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं बहुत अरसों पहले आई हूँ और लंबा गैप हो गया है, उसके बाद आ रही हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा आई एम एक्साइटेड. भोपाल हैज़ अ वेरी म्यूज़िक लविंग ऑडियंस एंड आई थिंक म्यूज़िक कल्चर आर्ट को कॉन्स्टेंटली एक तरह से सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रहा है. मध्य प्रदेश के लोग हों, भोपाल के लोग हों, ये मैंने पहले देखा है. सो आई एम श्योर कि आज की इवनिंग, आज की शाम बहुत ख़ास होगी. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. सो अगर आपको कुछ भी पूछना है, नाउ यू कैन स्टार्ट. एक बात छोटी सी जोड़ना चाहूँगा कि जब भोपाल में स्थापना दिवस की शुरुआत हुई थी तो श्रेया जी उस शुरुआत के पहले वर्ष की मुख्य कलाकार थी. उस समय लाल परेड के पुलिस ग्राउंड में हमने वो कार्यक्रम किया था पीछे, और अभी हम बड़े मैदान में आ गए तो उतना समय हो गया, उतना विकास और उतना विस्तार शहर का भी और राजधानी का भी और हमारी कलाओं का भी. तो आज उस तरह से श्रेया जी को सुनना भोपाल के लिए अप्रतिम अनुभव रहेगा, ये मेरा विश्वास है. आपके सवाल जी किसी को पूछना है, मैं बोलते रहूंगी. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सो प्लीज गो अहेड. श्रेया, 2002 से आपने प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट की थी. उस समय जो फिल्म आई थी देवदास, उसमें आपने एक सॉन्ग गाया था डोला रे डोला, और अभी बाजीराव मस्तानी में पिंगा रे पिंगा एक सॉन्ग गाया. तो दो डिफरेंट जो आपकी गायिका है उनके साथ आपने गाने गाए, दोनों के साथ गायकी आप कैसे महसूस करती है, क्या वेरी डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको कैसा फील किया गया? इनफैक्ट आपने दोनों गानों का मेंशन इसलिए किया क्योंकि दोनों ही संजय मसाले की फिल्में हैं, और दोनों में दो फीमेल एक्ट्रेसेस के बीच में डांस का एक और म्यूजिक का एक कंपटीशन जैसा रहा. बट इफ आई हैव टू पुट अ पैरेलल टू बोथ द सॉन्ग्स, दोनों गाने बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और दोनों ही गानों में जो एसेंस है वो बहुत अलग है. डोला रे डोला का पूरा बैकड्रॉप देवदास वाज अ बंगाली नॉवेल्स, उसका पूरा दुर्गा पूजा एंड एवरीथिंग वाज सेलिब्रेटरी ऑन अ डिफरेंट लेवल. पिंगा वाज अ मच मोर बिकॉज इट वाज फ्रॉम अ रॉयल एक जगह पे हो रही है, दो रानियों के बीच में हो रही है जो म्यूजिक एंड डांस का एक माहौल है. सो उसमें थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसमें ठहराव था. और दोनों ही गानों में जो मेरे साथ कलाकार रहे हैं, जब मैंने पहला डोला रे गाया तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं कविता जी के साथ गाऊंगी. वो उस वक्त की और आज भी वो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड वन ऑफ द यू नो टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर्स हैं, और उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला वो बहुत बड़ी बात है. और दूसरा, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया उस वक्त. व्हेन आई वाज सिंगिंग विद हर आई वाज वेरी नर्वस, बट उन्होंने हमने इसको इकट्ठे गाया. आजकल रिकॉर्डिंग सब अलग अलग होती हैं, कोई साथ में नहीं गाता है, पर उस वक्त देवदास की रिकॉर्डिंग बहुत अलग थी और साथ में हम लोगों ने माइक पे गाया. एंड शी वॉज वेरी इंकरेजिंग एंड आई वॉज वेरी लिटिल दैट टाइम, आई वॉज 16 एंड सो आई वॉज वेरी नर्वस. और इस गाने को गाते वक्त वैशाली माड़े, जो बिल्कुल नहीं उनका डेब्यू हुआ है इस गाने से पिंगा में, एंड शी डिड अ फैबुलस जॉब. ऑनेस्टली जब मैंने ये गाना गाया था तब उसकी आवाज़ मैंने सुनी नहीं थी, आई डिड माई पार्ट. तो जब गाना रिलीज हुआ आई हर्ड एंड इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई रियली विश हर बेस्ट. शी हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड शी इज़ द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, शी इज़ अ महाराष्ट्रियन यू नो एंड बहुत अच्छा गाती हैं, मराठी गाने भी बहुत गाए उन्होंने. सो या दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू सॉन्ग्स.
आज वो जो नागपुर की जो नृत्य नाटिका होने वाली है उसमें भी वैशाली ने गाना गाया है, जिस वैशाली की आप बात करें जिनके साथ गाना। मेरा सवाल यह है कि रियलिटी शोज़ आप बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसी भी आर्टिस्ट को, लेकिन हम देखते हैं हर साल बहुत सारे लोग विनर होते हैं लेकिन दिखते इंडस्ट्री में बहुत कम हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है कि उनको मौका नहीं मिल पाता इतने ग्लैमर के बावजूद? एक्चुअली ना ये क्वेश्चन मुझे परसों से पूछा गया है, शायद मैं पहली बार भी जब भोपाल आई थी तब भी मुझे ये पूछा गया होगा। अच्छा। पर थिंग्स हैव चेंज नाउ ऑनेस्टली। आज आप देखें तो हर गाना एक नई आवाज़ में हो रहा है और मोस्ट ऑफ द वॉइसेस आर समवेयर कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं किसी न किसी मंच से। सो वो जो एक बना हुआ था कि रियलिटी शो में आ रहे हैं और उनका आगे कुछ नहीं हो रहा है, वो अभी चेंज हो गया है। एक टाइम था जब इतना वैरायटी की जगह नहीं थी, वेरिएशन की जगह नहीं थी। आजकल हर गाना ही एक नया म्यूजिक डायरेक्टर, एक नया सिंगर और एक नया लिरिसिस्ट बना रहा है। सो बहुत नई प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है फिल्मों में और बहुत अच्छा अलग तरह के कोई म्यूजिक हो रहा है, कोई एक तरह का नहीं हो रहा है, अलग अलग स्टाइल के हो रहे हैं। सो हर आवाज़ को मौका मिल रहा है, हर तरह की आवाज़ को मौका मिल रहा है। सो आई थिंक वो चेंज हो गया है। आई थिंक आजकल आपने मुझे ऐसे नाम तो झट से याद नहीं आएंगे, बट आप अगर गानों की लिस्ट देखें आज की जो फिल्में आ रही हैं, सभी जो नाम हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं कोई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है कभी ना कभी। चलिए, आपसे ये भी सवाल पूछा होगा लोगों ने रीमेक को लेकर। लता जी बोलती हैं कि बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके गाने छोड़े जिस मनोभाव से उन लोगों ने गाने लिखे थे, कंपोज किए थे या गाए थे, आज उनको जिस तरीके से गाते हैं, हर फिल्म में हम गाने देखते हैं, हर गाने का नए भी लिखे जा रहे हैं लेकिन रीमेक भी आ रहे हैं, तो आप एज अ सिंगर कैसे लेती हैं? मैं ना इतना सुनती नहीं हूँ कि आजकल क्या गाने, हर दिन क्या नया आ रहा है। आई एम नॉट सो अपडेटेड, बट आई बिलीव कि ऐसा हो रहा है कि काफ़ी पुराने गानों के राइट्स लेकर उनको थोड़ा मॉडिफाई करके 2.0 वर्जन बना के उसका आ रहा है। सो आई थिंक वो एक ट्रेंड है एंड इट्स अ पासिंग फेज। ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ जो हो रहा है वो, बहुत अच्छे अच्छे गाने के जो पूरी जो उसकी सोल है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है उस चक्कर में। पर वो कोशिश अच्छी है, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज वो गाने पॉपुलर हैं और लोगों को पता है, इसलिए उन गानों को पुश किया जा रहा है और उसको थोड़ा फॉर सम रीजन वो राइट्स के रीजन से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और उसका जो पूरा रिजल्ट है इज नॉट रियली इट्स बेसिकली ऐसे जो लेजेंडरी काम है उनको ना ही छुए तो मुझे लगता है अच्छा है। अगर छुआ भी जाए तो उसको सही रिस्पेक्ट और कदर से उसको वी शुड ट्रीट दैट सॉन्ग। I would honestly, I'm not very much in favor of it. Okay, मेरा लास्ट सवाल है कि आपको श्रेया अगर मौका मिलेगा इस तरह के गाने गाने का, रीमेक में कोई ऑफर करता है तो क्या आप गाना पसंद करेंगे? मैंने गाया भी है, अभी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो गाना मैंने ज़बरदस्ती उन लोगों से मेरी तरह से करवाया और जैसे ही मुझे लगता है कि कभी ऐसे इस तरह के गाने होते तो पहला तो ये भी नहीं सोचती हूँ कि वो बाहर आएगा तो लोगों को क्या लगेगा, वो तो सोचती भी नहीं हूँ। जब मैं गा रही हूँ तभी मेरा मन नहीं करता है उसको बिगाड़ के गाना। और वो गाना जो मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया वो एज इज जैसा गाना है वैसे ही गाया, उसको कोई नई लिरिक्स नहीं डाली है, कोई नया उस पर ऑल्टरेशन नहीं किया है। और थैंकफुली मुझे जब लोग अप्रोच करते हैं कभी इस तरह के गाने को लेकर, वो शायद ये भी समझ के ही आते होंगे कि आई वोंट बी comfortable doing it, so I've never had that problem. Thank you. बहुत सारे प्रश्न है। थैंक यू। वैसे ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, 15 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, पता ही नहीं चला कब कैसे। और व्हेन आई लुक बैक देयर हैव बीन एवरी ईयर हैज़ बीन समथिंग स्पेक्टेकुलर, कुछ ऐसे गाने आए जो मेरे स्टाइल को चेंज करते हुए गया, मुझे इवॉल्व करते हुए लेके गया। और बहुत तरह के गाने, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, नए
म्यूजिक डायरेक्टर्स, एस्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर्स, एस्टैब्लिश को सिंगर्स, नए को सिंगर्स, लिरिसिस्ट, सबके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है. और नॉट जस्ट इन हिंदी, आई थिंक मैंने बहुत, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं हर लैंग्वेज में गाती हूँ. चाहे वो साउथ के गाने हों, बंगाल में तो मदर टंग है, या हर लैंग्वेज में आई थिंक. एंड आई थिंक आई फील वेरी लकी टू बी एन इंडियन एंड एन इंडियन प्लेबैक सिंगर. एंड आई वॉन्ट दैट वो प्लेबैक का जो वो टैग होता है उसको लोग थोड़ा धीरे धीरे, मेरी यही कोशिश है अब कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को भी थोड़ा पुश किया जाए. हर गाना फिल्म से ही क्यों जुड़ा हो, फिल्म के बियॉन्ड भी गाना होना चाहिए. और दिस जर्नी हैज बीन ऑल अबाउट दैट. एंड आई थिंक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक. मैं अभी भी सीख रही हूँ. जो भी अवार्ड्स जिंदगी में आए हैं उसको एक प्रोत्साहन के जैसे देखा है. उसको पाने के बाद कभी उसको मुड़ के नहीं देखती हूँ, बट इट इज़ देयर एंड आई टेक इट एज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो लोगों का म्यूजिक पसंद करते हैं, जो लोग मेरी ऑडियंस है, उन्होंने मुझे बनाया आज जो भी हूँ मैं. तो एज अ जेस्चर आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग हार्ड एंड डू बेटर म्यूजिक. I have no preference like that. Honestly, I think every song has its interesting parts. चाहे वो चिकनी चमेली हो, चाहे वो सुन रहा हो, या चाहे अभी घूमर हो जो पद्मावती का है. हर वो घूमर इज फोक, चिकनी चमेली इज एक्चुअली फोक इश, बट उसमें सेंशुअस है. सुन रहा है बहुत ही रोमांटिक है. देवदास के गाने बहुत क्लासिकल बेस्ड है. मुझे वो वैरायटी मिलना बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हर दिन मैं एक ही तरह का काम कर रही हूँ. एज एन आर्टिस्ट आई थिंक अगर आप ना ग्रो करें हर तरह से तो बोरियत आ जाती है. सो आई नीड टू ऑलवेज डू समथिंग इन न्यू एंड एक्सपेरिमेंट. पर मेरी जो, अगर मैं अकेले बैठकर कभी रियाज कर रही हूँ या गाने सुन रही हूँ या गाने गुनगुना रही हूँ विदाउट हैविंग टू डू म्यूजिक फॉर फिल्म्स, मेरा इंस्टेंट झुकाव क्लासिकल म्यूजिक पे है. और आई थिंक कहीं ना कहीं सोलफुल म्यूजिक, आई फील इट्स माय काइंड ऑफ म्यूजिक. व्हाट डू यू फील अबाउट रैपिंग? लाइक रैपिंग इतनी डाल देते हैं गानों में आजकल. देयर इज सो मच ऑफ मिक्स इन द सॉन्ग्स एंड रैपिंग फ्रॉम हनी सिंह टू बादशाह टू एवरीवन. व्हाट डू यू फील? डू दे एनहांस द सॉन्ग और दे डिटोरिएट द और दे टेक अप द सोल ऑफ द सॉन्ग? जैसा गाना है वैसा जरूरत है. अगर गाना ही वैसा है तो रैपिंग इज नीडेड. सब गाने बहुत सीरियस हों वो भी ज़रूरी नहीं है. कुछ गाने होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनिंग एंड शॉर्ट लिव, मतलब वो उस वक्त को नचाने के लिए है. पर रैपिंग एक एक्चुअली बहुत ही डीप और देयर इज अ फुल, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री बैक इन द वेस्ट जहाँ से आया है ये. तो वहाँ पे हर जो शब्द का चयन है, इट्स नॉट लिमिटेड टू बेबी एंड डांस करा दूँ, स्टार बना दूँ. इट्स बियॉन्ड इट. देयर इज लॉट अबाउट सोसाइटी एंड लॉट ऑफ गुड पोएट्री व्हिच हैपेंस इन रैप. एंड जो बड़े बड़े रैप कलाकार हैं वहाँ पर, एमिनम हो या जो भी बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने बहुत ही उम्दा पोएट्री अपने रैप्स में किए हैं और वो सब ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स हैं. सो आई थिंक दिस हैज टू इवॉल्व एंड देयर आर गुड आर्टिस्ट एंड दे विल डू इट. सो बॉलीवुड रैपिंग और वेस्टर्न रैपिंग, आई हैव नो प्रेफरेंस. आई एम नॉट अ रैप पर्सन. मुझे इतना समझ ही नहीं आता है एक्टिंग. सो आई थिंक आई हैव नो प्रेफरेंस एज सच. श्रेया जी, आजकल अभिनेता जो सिंगिंग करते नजर आ रहे हैं क्या है कि एक्टिंग का कीड़ा नहीं है. एक्टिंग के लिए एक होती है ना, बचपन में सब ही बच्चे शायद कभी ना कभी, कुछ कुछ बच्चे तो डेफिनेटली अपने आप को मिरर में देखते हुए डायलॉग करते हैं या दे वांट टू एक्ट या स्कूल में कहीं पार्टिसिपेट करते हैं. आई हैव नेवर डन दैट. आई हैव ओनली डन म्यूजिक एंड आई एक्ट. माय एक्टिंग इज थ्रू माय म्यूजिक एंड माय वॉइस. बट आई डोंट माइंड फीचरिंग इन माय वीडियोस. इफ आई एम डूइंग माय ओन म्यूजिक एंड उसमें वीडियो में फीचर करना, दैट इज फाइन. बट एक्टिंग के लिए उतना टाइम कमिटमेंट और इच्छा नहीं है. एक तो निकल गया है, धड़कन आज़ाद है, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया. और अभी दूसरा रेडी है
एंड आई बीन जस्ट वेटिंग क्योंकि एवरीथिंग इज रेडी बट बिकॉज वो दूसरे फिल्मों के काम आ रहे हैं तो उसको मैं थोड़ा सा संभाल के निकालूंगी बड़े प्यार से निकालूंगी बट इट्स रेडी वेरी सून. श्रेया जी, बॉलीवुड में जनरली जो म्यूजिक डायरेक्टर थे दे आर ओनली मेल डोमिनेटेड, मतलब गिने चुने म्यूजिक डायरेक्टर थे, फीमेल सिंगर्स तो बहुत हैं, तो आप क्या सोचते हैं? ये अच्छा प्रश्न है. मुझे भी यूँ लगता है कि क्यों फीमेल कंपोजर्स नहीं हैं. हमेशा मैं कहीं भी एक भी अगर मैंने फीमेल कंपोजर्स के लिए गाना गाया तो मैं तो वो दिन को सेलिब्रेट करती हूँ. आई डोंट नो वाई एंड आई नो अ लॉट ऑफ ग्रेट फीमेल राइटर्स एंड कंपोजर्स बट समहाउ आई थिंक इन द इंडस्ट्री वेयर हर दिन आपको प्रोड्यूसर्स के पास गाना लेके जाके उसको यू नो पास कराना और उसमें लगे रहना, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी टास्किंग जॉब ऑफ अ कंपोजर. कंपोज करना ही इनफ नहीं है, उसके बाद उस पर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंपोजर्स को टू टेक इट टू द फिल्म्स एंड मेक इट श्योर दैट इट स्टेज इन द फिल्म एंड इट गोज एंड बिकम्स फाइनली गेट्स रिकॉर्डेड. सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वुमेन हैव नॉट बीन एनकरेज टू डू इट बट I personally feel there are a lot of great composers around and they should come and they should do music and I will be singing first if they come and they say I have a song. I will leave everything and sing for them first. Thank you. कहते हैं कि हर कलाकार हर जगह को अपने नजरिए से देखता है. अगर एक पेंटर है उस जगह को कलर्स में दिखेगा, म्यूजिशियन है म्यूजिक में दिखेगा. तो आप भोपाल जब आए तो वन सॉन्ग दैट यू इंस्टेंटली फील कि भोपाल के लिए तो ये गाना है. क्या गाऊं भोपाल के लिए, तो बहुत कलर्स के गाने आ जाएंगे क्योंकि इतना कुछ है और इतनी तरह की खूबसूरती और स्वाद और खुशबू और सब कुछ है भोपाल में. तो मैं चाहे पता नहीं, मैं शायद अपना सबसे फेवरेट गाना ही भोपाल के लिए गाऊंगी जो मेरे दिल के करीब है और जैसे इनकी भी रिक्वेस्ट थी आई थिंक मैं वही गा देती हूँ.